नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभु सर गोरखपुर जनपद में बैठे हैं और एक ऐसी बीमारी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि जो कहना कि लाइलाज है, जिसका भी इलाज संभव नहीं है देश में और खासतौर से विश्व के अन्य देशों में, क्या पूरे विश्व में इस तरह की बीमारी जो है इसके पूरे तरीके से इलाज नहीं हो पा रहे हैं। और जिन घरों में जिन बच्चों को अगर ये बीमारी पकड़ रही है तो निश्चित तौर पर पीड़ा का विषय है, कष्ट का विषय है। गोरखपुर के राजवीर यादव हैं और ऐसे तमाम ऐसे बच्चे होंगे जिनके साथ ये बीमारी जिनके जीवन में लग गई है, जिनको तकलीफ होती होगी। गोरखपुर के राजवीर यादव से आज बात होगी, जो केवल जिनकी उम्र है 9 साल, 9 साल की उम्र में ही राजवीर को क्या क्या पीड़ा होती है। बात करें जो बीमारी है तो वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी जो मसल्स है वो बन नहीं पाते, जो सेल्स है बन नहीं पाते, जो जीन की कमी या इस तरह के कुछ उसमें जीवाणुओं की कमी के कारण व्यक्ति के अंदर के जो मसल्स है वो बनते नहीं है और धीरे धीरे पीड़ा और चलने में या अन्य परेशानियां उनको महसूस होती है। तो खुद ही बात करें और पहल करें कि इसके इलाज को क्या किया जाए, कैसे देश में या विश्व के कहा जाए कि WHO को क्या करना चाहिए, इस बीमारी के लिए क्या करने चाहिए, लोग कैसे इस पे प्रिकॉशन लें, इन सभी बातों पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं एक नन्हे से राजवीर को, जो गोरखपुर जनपद के भटौली बाजार के बंदुआरी गजारी गांव में ये रहते हैं। तो एक छोटे से बच्चे, राजवीर स्वागत है भोजपुरी न्यूज टाइम पे। आपको क्या दिक्कत होती है बाबू इस बीमारी में? उठना बैठने में। अच्छा, ये कब से आपको उठने बैठने में दिक्कत हो रही है? 4 साल पहले। 4 साल पहले। और कहीं दिक्कत, कुछ दर्द वगैरह? कुछ पैर दर्द करता है। पैर दर्द करता है? कहाँ कहाँ दर्द करता है? या घुटने? घुटने में यहाँ यहाँ दर्द करता है, या भी दर्द करता है, ये सब दर्द करता है। तो आप क्या चाहते हैं, पढ़ना लिखना? किस क्लास में आप पढ़ते हैं? पढ़ते नहीं। अच्छा, पहले तो कहीं पढ़ाई वढ़ाई होती थी आपकी? दो एक साल पहले। क्या बनना चाहते थे आप? कुछ डॉक्टर? डॉक्टर बड़ा सपना है। देखिए, डॉक्टर को ही एक तरह से जो इलाज डॉक्टर करते हैं और जिनके जिनको खुद ही डॉक्टर के हाथों में देख रेख जिनकी हो रही है, और उनका सपना है कि डॉक्टर बनना है, बड़ा सपना है। और क्योंकि आपको इलाज में जो दिक्कत हो रही है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे, डॉक्टर लोग से क्या कहना चाहेंगे कि आप इतनी जल्दी ठीक हो जाएं, क्या कहना चाहेंगे? 15 साल बाद आप ठीक हो जाएंगे और उसके बाद डॉक्टर बनेंगे। हौसला देखिए छोटे से बच्चे का, राजवीर का। और आपके मतलब आपको मतलब जो चलने वलने में दिक्कत हो रही है तो पकड़ के आपको कहीं सपोर्ट करना पड़ता है? हाँ, अपने से नहीं जा पाते। और कुछ कहना चाहेंगे? आपके पापा क्या करते हैं? नौकरी। अच्छा, नौकरी करते हैं। कहाँ पे हैं? कोलकाता। तो आपको बस इतनी ही मालूम है कि आपको चलने उठने बैठने में दिक्कत है, ठीक है? आपके अंकल से पूछते हैं क्या क्या दिक्कत है, आप कहाँ कहाँ दिखाए इनको, आप बताइए। इनको दिखाए थे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अशोक यादव, उनको हमने दिखाया था। तब हम लोग को पता चला कि इनको मतलब मसल में प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं दवा देता हूँ। तो दवा से कुछ भी मतलब काम नहीं करता बॉडी पे। दिन पे दिन मतलब ये जो बीमारी इनको है बाबू को, वीकनेस महसूस होती जा रही थी। और इनका अब 6 महीने पहले चल पाते थे लेकिन अब नहीं चल पाते हैं। समस्या दिन पे दिन मतलब बढ़ती जा रही है। और ये बीमारी मतलब पूरे भारत में फैली हुई है और सबसे ज़्यादा ये बिहार स्टेट में फैला हुआ है। और इस बीमारी को मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि बीमारी मतलब कहाँ से मतलब शुरुआत हो रही है, किसी को पता नहीं है। बीमारी कहाँ से शुरू हो रही है पता नहीं है, और सबसे ज़्यादा देश के बिहार राज्य में इसे बता रहे हैं कि ये वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इसके लक्षण। आपने जहाँ जहाँ इनका इलाज कराया, जहाँ जहाँ दिखाया है, डॉक्टरों ने कुछ बताया कि इसका लक्षण कैसे, आखिर क्यों हुआ, कारण क्या है, ये बीमारी कैसे आती है? डॉक्टरों का मतलब कहना है कि मतलब कोई बोलता है कि इनको 6.5 साल के जब हुए थे तभी इनको मतलब ये शुरुआत हुई। किसी को मतलब 20 वर्ष में भी हो जाता है, किसी को मतलब 15 वर्ष में भी शुरू हो जाता है बीमारी। कुछ तो इसके मतलब अनेकों प्रकार हैं इस बीमारी के। और हमने एम्स में, दिल्ली एम्स में भी दिखाया है, गोरखपुर एम्स में दिखाया है, मेडिकल कॉलेज दिखाया है, लखनऊ PGI में दिखाया, मतलब कई हॉस्पिटलों में जो जहाँ बताया हमने दिखाया, लेकिन मतलब इसका कहीं भी मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन कहीं नहीं है। इसे किसी अन्य देश में से फॉरेन कहीं जाया जाए तो क्या इसके इलाज में कितने खर्चे हो सकते हैं अगर सही मुकम्मल देखा जाए?
अगर यूएसए में 16 करोड़ या 17 करोड़ समथिंग में वैक्सीन है, लोग बता रहे हैं 17 करोड़ की एक वैक्सीन है जी, हाँ, जो कि बजट से बाहर है, हम लोग कहाँ मतलब कर पाएंगे इसको? यूएसए में यानी बाहर, फॉरेन कंट्री यानी इंडिया से बाहर, इस वैक्सीन को अगर इनके इलाज में जो लगने वाली वैक्सीन है अगर उसका प्रयोग किया जाए तो 16 से 17 करोड़ एक आम आदमी के लिए, क्या एक खास आदमी के लिए भी, सम्मानित जो संभ्रांत होंगे उनके लिए भी बहुत मतलब पेचीदा है ये पैसा इकट्ठा करना। लेकिन सपना बड़ा है, सपना किसी पैसे से नहीं खरीदा जाता, और सपनों की उड़ान जो है अपने हौसलों से ही होती है, वो भी पैसों से नहीं होती। तो खास तौर से जो राजवीर का जो सपना है, जो ड्रीम है, जिस बीमारी से लड़ रहे हैं, खासा हो सकता है राजवीर को जब इस तरह से चैलेंजिंग 8-10 साल 15 साल बाद इनकी अवस्था और बढ़े, या अपने आप को और चैलेंजिंग करके लड़ करके इस बीमारी से उस मुकाम पे जब पहुंचेंगे तो हो सकता है रिसर्च करें, और लोग चाहते भी हैं रिसर्च करेंगे, बड़ा बनेंगे डॉक्टर बन करके, इन सभी बीमारियों का इलाज ढूंढेंगे। इनके जैसे तमाम बच्चे होंगे जो नवजात से या 6 साल बाद 7 साल बाद या जब भी, मतलब बीमारी का तो कोई समय नहीं होता, लगती है तो फिर वो पीड़ा में ऐसे तमाम लोग होते हैं लेकिन संघर्ष करते हैं। क्या कहना चाहेंगे शासन से, सरकार से? मैं तो मतलब यही बोलना चाहता हूँ कि हमारा भारत सरकार भी WHO से मतलब अपील करे कि इस बीमारी का मतलब खोज हो, मतलब हमारा बच्चा नहीं, हमारा भाई नहीं है, पूरे देश में बच्चे हैं, भाई हैं, सबको मतलब इलाज मुफ्त मिले। मैं मोदी सरकार से ही बोलना चाहता हूँ और हमारे जो CM है योगी आदित्यनाथ, मैं इनसे भी बोलना चाहता हूँ कि मतलब इसके बारे में, बच्चों के बारे में सोचें। और ये बच्चा मतलब बहुत पहले से कह रहा था, मेरा छोटा भाई है, मुझे बहुत दुख हो रहा है बताते हुए कि ये बोल रहा था बहुत पहले से मैं पापा डॉक्टर बनूंगा। ऐसा ना हो कि बच्चे का सपना साकार ना हो। बच्चे का सपना साकार होगा, डॉक्टर बनने की उम्मीद लेकर के बच्चा अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। और निश्चित तौर पे बताएं तो 10 लाख लोग करीब इस बीमारी से हर साल भारत में अकेले जूझते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऐसी बीमारी है जो मसल्स को बनने नहीं देती और उठने बैठने चलने तक में दिक्कत होती है। धीरे धीरे ये लक्षण जब बीमारी ये शरीर के अंदर आती है तो कहीं ना कहीं अंगों को किसी तरह से डिस्टर्ब करती है और व्यक्ति संघर्ष करता है। लेकिन सपनों से संघर्ष, अपने हौसलों से संघर्ष करेगा यह बच्चा। राजवीर को उत्तर प्रदेश सरकार से भी इन्होंने अपील किया है, देश की सरकार और WHO से भी अपील किया है कि ऐसी बीमारी जो लक्षण इसके दिख रहे हैं इसका इलाज भी ढूंढा जाए, ताकि एक आम आदमी, एक गरीब के सपने न टूटे और उसके हौसले मजबूत इरादों से बढ़े और मुकम्मल इलाज के लिए हो। देखते रहिए भोजपुरी न्यूज़ टाइम। कैमरा पर्सन मनोज संघ, हम समोसा।